तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भ्रष्टाचार और नौ हिंसा को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, इसमें नू हिंसा और सीईटी का मामला उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की भी मांग सरकार से करेंगे। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार से हर वर्ग विमुख है और जो सरकार के फैसले रहे हैं सारे जन विरोधी रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जैसे फ्लड से जो नुकसान हुआ है प्रदेश का और किसान का, उसको कंपनसेशन भी नहीं मिला और फ्लड क्यों आया, इस बारे में भी एडजमेंट मोशन हम लेके आएंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था जो न्यू में हुआ उसके बारे में हम एडजमेंट मोशन लेके आएंगे, क्योंकि ये सरकार की कमी की वजह से ऐसा हुआ। अब इस बात के लिए जांच की मांग रहे हैं हम हाईकोर्ट का जज के द्वारा की जाए कि ये किसकी साजिश थी और क्यों साजिश थी, इस बात का पता किया जाए। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं, जैसे सीईटी का मामला है या आयुष्मान का मामला है, इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, उनके लिए हम कॉलिंग अटेंशन भी लेके आएंगे। क्योंकि ये जो सीटी के मामले में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करी है सरकार, और जेबीटी का मामला, उसको भी लेके आएंगे। जेबीटी तो बंद कर दी, मतलब सरकार ने तो बंद कर दी, प्राइवेट उनसे फीस ले रहे हैं बच्चों की, और 25 के बाद जेबीटी का कोई यूज नहीं रहेगा। इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है प्रदेश में। सेशन शुरू हो रहा है, किस प्रकार की तैयारी कांग्रेस की, कौन से मुद्दों को लेकर?